Hello students, today we will start portfolio management of MBA semester 4. Specialization finance. We will start to see from here that what is portfolio. पोर्टफोलियो मीन्स वॉट. हम लोग जब बातचीत करते हैं पोर्टफोलियो की, तो ये क्यों है, कैसे है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी. सबसे बड़ी बात ये है ना कि सिक्योरिटीज़ का डिफरेंट कम्बिनेशंस होता है, और उस कम्बिनेशंस को जब हम लोग एक साथ एग्रीगेट करके रखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो. इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आप टूर पर जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं आप. आपको लगा कि पहले मैं वेस्ट जाऊंगा, फिर वहां से साउथ चला जाऊंगा, फिर वहां से नॉर्थ चला जाऊंगा. आपको कहा गया कि आप अपने बैग को पैक कर लीजिए. आप क्या करते हैं, दिमाग में पहले एक कंसेप्ट आता है कि वेस्ट जाना है, वहां धूल भरी आंधी होगी. वाई शुड आई नॉट बियर फुल लेंथ क्लॉथ्स. आप एक ओवरकोट जैसा कुछ ले लेते हैं, राजस्थान का एरिया है. फिर आपके दिमाग में आता है कि वहां से हमें साउथ भी जाना है, तो जो मैं अपने बैग में कपड़े रखूँ वो कॉटन रख लूँ, वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है. फिर आपके दिमाग में आता है कि अब नॉर्थ जाना है कश्मीर की तरफ, तो वहाँ ठंड ज़्यादा होती है, वुलन क्लॉथ्स रख लें. आपने ये जो डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ क्लॉथ्स रखे, अपने जो अटायर्स रखे एक बैग में, उसको हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो. अब बात शुरू ये होती है कि हमने उन अलग अलग तरह के कपड़ों को रखा क्यों. तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो रिस्क है खराब वेदर का, रिस्क है जो एक वेदर इफेक्ट का जो आपके हेल्थ पे हो सकता है, उससे खुद को बचाने के लिए. और जो रिटर्न है, टूर का रिटर्न क्या हो सकता है, घूम के एंजॉय करें, उसको हम कम ना होने दें. बिल्कुल उसी तरह से ये जो पोर्टफोलियो है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ का कम्बिनेशंस होता है, जिसमें कि कुछ इक्विटी फंड, कुछ डेट फंड, अलग अलग लोगों को मिला करके हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, ताकि हम रिस्क को हेज कर सकें और रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकें. अगर हम एक लाइन में कहें तो ये कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज टू हेज रिस्क एंड मैक्सिमाइज रिटर्न. आई बात समझ में, कि पोर्टफोलियो जो है ये कम्बिनेशन है डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ के. और इस पोर्टफोलियो को हमने जो तैयार किया है, वो तैयार किया है हमने कि रिस्क को हेज करें और रिटर्न को मैक्सिमाइज करें. अब बात ये होती है, सबसे पहले तो हम ये समझें कि व्हाट इज़ रिस्क. ये रिस्क क्या है, इसको समझने के लिए हम ऐसे समझें कि रिस्क हम जो कुछ भी एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये मेरा आउटकम हो सकता है, अब उस एक्सपेक्टेशन से या उस स्टैंडर्ड आउटकम से जब हमारा रियल आउटकम डेविएट करता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये रिस्क है. दैट मीन्स व्हाट रिस्क, इट इज deviation in real outcome from expected or standard outcome. मैंने कहा एक्सपेक्टेड और
स्टैंडर्ड आउटकम, जो आपका एक्सपेक्टेड आउटकम हो या स्टैंडर्ड आउटकम हो, उसमें जो डेविएशन होता है आपके रियल आउटकम में, इससे जो डेविएशन होता है उसको हम लोग कहते हैं रिस्क। देर इज ए लिटिल बिट कन्फ्यूजन अबाउट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी टू द स्टूडेंट्स। माई डियर स्टूडेंट्स, मेक इट वेरी क्लियर, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बोथ आर टू डिफरेंट वर्ड हैविंग द डिफरेंट मीनिंग। रिस्क बिल्कुल अलग चीज़ होता है और अनसर्टेनिटी बिल्कुल अलग चीज़ होता है। रिस्क के साथ क्या है, इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि रिस्क नोन फैक्टर होता है। रिस्क जो है वो नोन फैक्टर होता है। दूसरी बात, ये क्वांटिफिएबल होता है, हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। ये नोन फैक्टर होता है, क्वांटिफिएबल होता है, और इसके साथ साथ हम लोग रिस्क को हेज भी कर सकते हैं। जबकि मेरे बच्चे, जो अनसर्टेनिटी है वो अननोन फैक्टर होता है। उसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, उसको बिल्कुल आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसको कवर तो आप कर ही नहीं सकते, हेज तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, जो है रिस्क के साथ क्या है कि ये नोन फैक्टर है। बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल हमारे पास दिए हुए हैं थ्रू विच वी कैन फाइंड दैट वेदर इट कैन बी क्वांटिफाइड और नॉट, वाइल अनसर्टेनिटी बिल्कुल अननोन फैक्टर है और इसे हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ये दोनों में अंतर होता है। अब जो रिस्क है, ये टोटल रिस्क का जो कम्बिनेशन होता है, ये दो चीजों का होता है। टोटल जो रिस्क है ये दो चीजों का कम्बिनेशन होता है। एक को हम लोग कहते हैं सिस्टेमैटिक रिस्क, जबकि दूसरे को हम लोग कहते हैं अनसिस्टेमैटिक रिस्क। सिस्टेमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टेमैटिक रिस्क। समटाइम्स देयर इज अ लिटिल बिट कन्फ्यूजन टू द स्टूडेंट्स दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, सिस्टेमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टेमैटिक रिस्क। नेवर माई डियर, दीज आर द नॉट टाइप्स, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क। For you, for knowing the total risk, you will have to quantify the systematic risk as well as unsystematic risk. इस बात को भी बिल्कुल गंभीरता से समझिएगा कि ये types नहीं हैं risk के, ये जो हैं components हैं। हालांकि कुछ कुछ किताबों में कहीं कहीं पे मैंने भी पढ़ा है, might be there was a printing mistake कि उन्होंने types लिख दिए हैं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, these are the components। अब मैं पूरे human body का कंपोनेंट हुआ ना, ये हैंड, ये लेग, ये हेड, ये तो नहीं कह सकते कि ये सर का टाइप हो गया हाथ, सर ये टीचर का पैर जो है टाइप हो गया, नेवर। दिस आर व्हाट, दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ टोटल रिस्क। अब सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में क्या कहता है, द रिस्क एराइजेज ड्यू टू सिस्टम वाइड चेंज। जब कभी किसी सिस्टम में चेंज के कारण कोई रिस्क एराइज होता है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। दैट मीन्स व्हाट, रिस्क एराइजेज ड्यू टू सिस्टम वाइड चेंज। अगर किसी सिस्टम में चेंज हो जाए उसकी वजह से जो रिस्क एराइज होता है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। अब इस बात को आप ऐसे समझें, ड्यू टू एनी रीजन इफ गवर्नमेंट चेंजेस देयर मॉनेटरी, सॉरी आरबीआई चेंजेस देयर मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंस मिनिस्ट्री चेंजेस देयर फिस्कल पॉलिसी, और गवर्नमेंट इज चेंजिंग एनी पर्टिकुलर पॉलिसी टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, देन दैट इज व्हाट, दैट इज द टोटली अनकंट्रोलेबल एंड एक्सटर्नल। वो बिल्कुल बाहरी है, अनकंट्रोलेबल है, वो सिस्टम के कारण एराइज हुआ है, उसको आप नहीं रोक सकते। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें कि सिस्टम वाइड चेंज के कारण जब सिस्टमैटिक रिस्क हो रहा है, इनके करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हुए, पहली बात तो ये हो गई कि ये एक्सटर्नल हो गए,
एक्सटर्नल हो गए, दैट मीन्स इट हैज़ बीन अराइजेज ड्यू टू सिस्टम वाइड चेंज, हमारे अंदर से इसमें कोई समस्या नहीं है। सेकेंड थिंग, अनकंट्रोलेबल, इनको हम लोग रोक नहीं सकते, अनचेकेबल है, अनकंट्रोलेबल है, क्योंकि इफ गवर्नमेंट है चेंज देयर फिस्कल पॉलिसी देन हाउ कैन वी कंट्रोल दैट, नेवर, वी हैव टू बियर। इस बात को आप ऐसे समझें कि गवर्नमेंट ने मान लीजिए टैक्स राइज कर दिया, जैसे ही उन्होंने टैक्स राइज करा हमारे ऊपर, तो भाई सीधी सी बात है वो बर्डन तो हमें बियर ही करना होगा, वो अनकंट्रोलेबल है, वो सिस्टम वाइड चेंज के कारण हुआ है। तो मैंने पहला क्या कहा कि ये एक्सटर्नल है, दूसरा ये कहा कि अनकंट्रोलेबल है, तीसरा ये कह सकते हैं कि इनको चेक नहीं किया जा सकता, अनचेकेबल है। नेक्स्ट, कॉमन टू ऑल, ये सारे लोगों के लिए होंगे। इफ गवर्नमेंट है चेंज्ड द फिस्कल पॉलिसी दैट मीन्स दैट विल बी एप्लीकेबल टू द एवरी इंडस्ट्री, दैट विल बी एप्लीकेबल टू द एवरी इंडिविजुअल, दैट विल एप्लीकेबल टू द नेशन वाइड, दैट विल नॉट एप्लीकेबल ओनली टू द पर्टिकुलर कंपनी और पर्टिकुलर इंडस्ट्री, गट इट। दूसरी बात जो है वो है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है, दिस रिस्क अराइजेज ड्यू टू इंटरनल प्रॉब्लम, आइदर दैट विल बी एनी मैनेजमेंट प्रॉब्लम और एनी फिनेंशियल प्रॉब्लम और एनी कैपिटल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, एनीथिंग दैट विल बी इंटरनल, ये आपकी कमी के वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी कंपनी मेड एन अनाउंसमेंट दैट इफ वी विल गेट द प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट दिस ईयर देन वी विल प्रोवाइड बोनस टू ऑल ऑफ आवर एम्प्लॉय, अनफॉर्चुनेटली वो उस साल नहीं अचीव कर पाते, तब तो कंपनी के पास एक रास्ता होता है कि चलो भाई आप नहीं अचीव कर पाए गोल को, इसलिए इस साल बोनस नहीं दिया जाएगा। एम्प्लॉय विल नॉट रिटेलिएट, एम्प्लॉय भी कोई रिटेलिएशन नहीं करेंगे, कोई परेशानी नहीं करेंगे। नेक्स्ट ईयर फिर कंपनी ने कहा कि अगर इस साल आप 50,000 वंस अगेन यूनिट प्रोड्यूस कर देते हैं तो मैं सारे लोगों को बोनस दूंगा। एम्प्लॉय मिले, सारे लोगों ने 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करा, अब कंपनी जो है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि मैं बोनस नहीं दूंगा। ऐसे केस में दिस इज द फेलियर ऑफ मैनेजमेंट, या तो आपको वादा नहीं करना चाहिए था, अगर आपने वादा किया है तो आपको फुलफिल करना चाहिए था। वैसे केस में अगर इंप्लॉय रिटेलिएट करते हैं और लॉक बॉक्स कर देते हैं या फिर स्ट्राइक कर देते हैं तो देयर इज द प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू इंटरनल प्रॉब्लम, इसको हम लोग कहते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। या फिर ऐसे आप इसको और समझ सकते हैं कि अगर आपने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को ज़्यादा लीवर्ड कर दिया और उसमें डेट कैपिटल को राइज कर दिया, इक्विटी कैपिटल को रिड्यूस कर दिया, अब इसकी वजह से आपकी फिनेंशियल रिस्क तो बढ़ी हुई है और अनफॉर्चुनेटली किसी भी कारण से आपका सेल रिड्यूस कर जाए तो आप इंटरेस्ट देने के लायक भी नहीं रहे। वैसे कंडीशन में वंस अगेन यू विल फेस द हीट, तो वो भी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम हुआ था वो आपकी वजह से, आपके फाइनेंस मैनेजर के फेलियर की वजह से। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। और दूसरी बात, जब आपके कंपनी में ये समस्या हुई तो ये सिर्फ आपके कंपनी पे एप्लीकेबल होगा, ना कि पूरी इंडस्ट्री पे। अगर मान लेते हैं मेरी कोई स्टील की कंपनी है, स्टील प्लांट है, मैं प्रोड्यूस करके बेच रहा हूँ और मेरी गलती की वजह से, कैपिटल स्ट्रक्चर की गलती की वजह से मुझे लॉस होने लगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे स्टील इंडस्ट्री पर उसका इम्पैक्ट आएगा, इम्पैक्ट मुझे मेरी कंपनी पे आएगा। दैट मीन्स व्हाट, कि यूनिक टू माय कंपनी, दैट रिस्क इज यूनिक टू कंपनी, नॉट कॉमन टू ऑल, जो कि सिस्टमैटिक रिस्क में था। सिस्टमैटिक रिस्क में क्या था, कॉमन टू ऑल, लेकिन ये कॉमन नहीं होगा, वो तो मेरे फेलियर की वजह से हुआ है, तो वो सिर्फ मेरी कंपनी पर लागू होगा। तो अगर हम इनके फीचर्स को देखें, इनके करैक्टरिस्टिक्स को देखें, तो क्या क्या हो सकता है, तो पहला ये हो सकता है दैट इज इंटरनल, सेकेंड कंट्रोलेबल, थर्ड यूनिक टू कंपनी,
यूनिक टू कंपनी ये पर्टिकुलर कंपनी के लिए होगा। अब ये इंटरनल है, कंट्रोलेबल है, आप अगर चाहें तो इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और ये यूनिक है। ये दो जो अलग अलग कंपोनेंट हैं ये मिल करके हमें देते हैं टोटल रिस्क। अब इनके कैलकुलेशन के तरीके अलग हैं, इनके कैलकुलेशन के तरीके हैं, वी विल सी वन बाय वन। ओके, एंड एट दैट टाइम आई वाज सेइंग टू यू व्हेन आई वाज सेइंग अबाउट द डेफिनेशन दैट पोर्टफोलियो, मैंने ये कहा था कि रिस्क को हेज करने के लिए होता है एंड रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए। और अभी मैंने आपसे ये कहा कि टोटल रिस्क का कंपोनेंट होता है सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक, और ये टोटल रिस्क बनते हैं। तो एक बात आप और ध्यान दें, मैंने वर्ड यूज किया था रिस्क को हेज करने की बात। हेज मीन्स कवर। आप रिस्क को कभी भी मिनिमाइज नहीं कर सकते, रिस्क को कभी भी जीरो नहीं कर सकते, रिस्क को कभी कम नहीं कर सकते। हम लोग रिस्क को सिर्फ हेज कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इस एग्जांपल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप बाइक राइड करते हैं, बाइक राइड करते समय आप हेलमेट पहनते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने एक्सीडेंट होने के रिस्क को खत्म कर दिया। आपने क्या करा, आपने अपने हेड इंजरी को शिफ्ट कर दिया किसके ऊपर, हेलमेट के ऊपर। ये हेलमेट पहनना नॉट ए गारंटी दैट यू विल नॉट गेट एन एक्सीडेंट। हेलमेट मीन्स दैट योर हेड इंजरी विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दैट हेलमेट। दैट मीन्स व्हाट, यू हैव हेज्ड दैट हेड इंजरी, आपने हेड इंजरी को हेज करा। तो एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि रिस्क को कभी भी हम वर्ड मिनिमाइज के साथ नहीं कर सकते कि नहीं इसको मिनिमाइज कर दिया, नेवर। रिस्क नेवर बी मिनिमाइज, इट कैन बी डाइवर्सिफाइड एंड हेज्ड, इट कैन बी डाइवर्सिफाइड एंड हेज्ड ओनली। अगेन हम लोग फिर से चले पोर्टफोलियो के डेफिनेशन पर। फिर मैंने आपसे यह कहा था कि मैक्सिमाइज द रिटर्न। रिटर्न मीन्स व्हाट, रिटर्न मीन्स व्हाट, देन आई वॉज सेइंग अबाउट व्हाट इज रिटर्न। रिटर्न मीन्स आपने जो भी लगाया फंड को उसके अगेंस्ट में व्हाट हैव यू एक्सपेक्टेड, व्हाट यू वांट फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट, आप उस इन्वेस्टमेंट से क्या चाहते हैं। एक नया वर्ड आपके सामने आता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग रिटर्न की बात करते हैं। व्हाट डज इट मीन, इन्वेस्टमेंट मीन्स व्हाट। इन्वेस्टमेंट का मतलब कहता है कि सेक्रीफाइस ऑफ करेंट अपॉर्चुनिटी इन होप ऑफ बेटर रिटर्न इन फ्यूचर। दैट इज व्हाट, सेक्रीफाइस ऑफ करेंट अपॉर्चुनिटी इन होप ऑफ बेटर रिटर्न इन फ्यूचर। अभी आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी है इसको आप सेक्रीफाइस करते हैं इस उम्मीद में कि भविष्य में हमें कुछ मिलेगा, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव रुपीज 100, आपके पास 100 रुपए हों और आप बाजार में जा रहे हो, आपके सामने आइसक्रीम पार्लर दिख जाता है, स्टिमुलस आता है, चलो भाई आइसक्रीम खा लें। अब आपको लगता है दो बात, या तो मैं अभी आइसक्रीम खा लूं या इस 100 रुपीज़ को मैं जाकर के बैंक में रख दूं और एक साल के बाद मुझे 110 रुपये मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर इट दैट यू आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑफ 10%
तो यहां पर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी आइसक्रीम को। तो अभी अगर आपने आइसक्रीम को सेक्रीफाइस नहीं किया तो 100 का 110 का उम्मीद नहीं कर सकते। 100 का 110 लेना है तब तो करंट अपॉर्चुनिटी को सेक्रीफाइस किया है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप अभी बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो, आप इस समय को कहीं और यूज कर सकते थे, सोने में, घूमने में, मूवीज देखने में। आप उन तमाम समय को यहां पर आप लगा करके पढ़ रहे हो, आप इसलिए पढ़ रहे हो, ये आपका, आपने उन चीजों को कुर्बान करा जो आप घूम सकते थे या फिर मूवी देख सकते थे, उनको कुर्बान करके आप पढ़ाई कर रहे हैं इस उम्मीद में कि मुझे नॉलेज अच्छी हो जाएगी तो मैं अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स निकाल सकता हूँ, मेरी अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी। तो वो रिटर्न है, और उस रिटर्न को पाने के लिए आज का जो अपॉर्चुनिटी है उसको आपको सेक्रीफाइस करना होता है। दैट इज कॉल्ड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। गॉट इट?